हेलो फ्रेंड्स, भारत सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण योजना चलाया जा रहा है। उस योजना का नाम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है। आपको बता दें कि इस योजना को 1 जनवरी 2017 से प्रारंभ किया गया है। आपको यह भी बता दें कि इस योजना को प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना भी कहा जाता है। अब उद्देश्य की बात करें तो इस योजना का उद्देश्य गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अब पात्रता की बात करें तो इस योजना के तहत 1 जनवरी 2017 के बाद गर्भवती हुई महिलाएं ही पात्र होंगी और उन गर्भवती महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना भी अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिला का बैंक में खाता पासबुक, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसके अलावा बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड एवं पहचान पत्र भी होना अनिवार्य है। अब लाभ की बात करें तो इस योजना के तहत पात्र गर्भवती महिला को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह आर्थिक सहायता 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। अब पहली किस्त की बात करें तो पहली किस्त में 1,000 रुपये दिया जाता है। यह 1,000 रुपये गर्भावस्था के पंजीकरण के समय दिया जाता है। अब दूसरी किस्त की बात करें तो दूसरी किस्त में 2,000 रुपये दिया जाता है, यानी जब लाभार्थी 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच करा लेती है तब। वहीं तीसरी किस्त की बात करें तो तीसरी किस्त में 2,000 रुपये दिया जाता है और अंतिम में 1,000 रुपये बच्चे के जन्म के बाद प्रदान किया जाता है। अब निष्कर्ष की बात करें तो इस योजना के संचालन से गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं के उनके देखभाल अभ्यास को बढ़ावा मिल सकेगा। वहीं गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नगद प्रोत्साहन मिल सकेगा। वहीं अंतिम में आज का प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन ए 3,000, ऑप्शन बी 6,000, ऑप्शन सी 5,000, ऑप्शन डी 10,000। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद।